हेलो गाइस, आज मैं ले चलता हूँ पटना के नर्सरी में, शानिया नर्सरी। और वेलकम टू पटना, शानिया नर्सरी, किंग ऑफ पटना। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कलैंचू फ्लावर है। इसकी बहुत सी कलर आती है, कम से कम मैक्सिमम 12 से 24 कलर आती है इसकी। और ये 6 मंथ फ्लावर रहती है और ये परमानेंट प्लांट होती है, ये परमानेंट प्लांट होती है। और ये जो आज ये विंटर का फ्लावर है, इसमें बहुत सी कलर आती है। और ये गुलदाउदी, गुलदाउदी बहुत सी कलर की है, आपको 50 कलर्स है, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, पीला, लाल, बहुत सी कलर मिलेंगे। ये गुलदाउदी की है, ये प्लांट सब रेडी है, 40 रुपीस। है। और ये मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये कॉलियस। पटना में बहुत कम लोग तैयार करते हैं कॉलियस की वैरायटी, और ये कॉलियस की वैरायटी है, इसकी 60 रुपीस कॉलियस। सब वैरायटी, कोई भी वैरायटी आप लीजिए, 60 रुपीस। और ज़्यादा थोक में लेने के तो वो आपको कम हो जाएगा। इसको बोलते हैं कॉलियस फ्लावर, कॉलियस प्लांट। और ये इसमें फूल भी टाइप का होता है, आपको मैं दिखाता हूँ इसके फूल को आप। और ये मौसम में हर कलर की कॉलियस मिलेगी। ये बारिश वाला पोटोला का है, ये हमेशा आप इसको बचाइएगा तो हमेशा रहेगा। इसमें बहुत सी कलर की है। और ये पोटोला का पटना में बहुत कम मिलेगा, परमानेंट पोटोला का। और ये अपराजिता, अपराजिता फ्लावर होती है। और ये आप अपराजिता है। और ये टच मी नॉट, इसको कहते हैं टच मी नॉट। ये अडेनियम प्लांट। और ये है प्रिमुलिया, और इसको नागचंपा भी बोलते हैं। ये देखिए लौकी की प्लांट तैयार हो रही है, 20 रुपए पीस लौकी प्लांट। ये है रोज, अभी पता है आप लोग को रोज की अभी सीजन नहीं है, और इसके ड्रेसिंग वेसिंग हुई कि अक्टूबर नवंबर के लास्टिंग में, और खाद मसाला इसको दे के कम्प्लीट किया जाएगा। मैं ले चलता हूँ बिगोनिया फ्लावर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बिगोनिया बहुत अच्छी फ्लावर है और विंटर की फ्लावर है। और ये मेरे बगल में है ग्लैडुलस, इसकी सीजन आ चुकी है और ये आप लगा सकते हैं। और ये मैं एक, मैंने बिगोनिया की फ्लावर की पैकेट खोल चुके हूँ, दिया यह है, सीड मेरे हाथ में है। ये 2000 सीड है, 2000 सीड है ये। और ये आपको बिगोनिया बिहार में फर्स्ट टाइम बिगोनिया गिराया जा रहा है। और इसकी फोटो वीडियो मैंने पीछे, इसकी वीडियो है, आप इसको देख सकते हैं इसके फ्लावर के बारे में। और इसी में देखिए ये मट्टी है, आपको ये कोकोपीट ऊपर से डाला हुआ है, और ये इसके अंदर में मट्टी है, नीचे नीचे मट्टी है। और मट्टी पर ये सीड बहुत महीन है, छोटा है, इसमें पता ही नहीं चल रहा सीड कितना है।
और ये तीनों जगह गिरेगा, इसमें बालू थोड़ा सा मिला के इसको गिराएंगे। और गिराने के बाद पहले इसको मिट्टी, इसमें मिट्टी भरेंगे। मिट्टी भरने के बाद उसके बाद ऊपर से कोको पीट रखेंगे। मिट्टी सूखा रहना चाहिए, ये नहीं कि गीला मिट्टी पर आप बिया गिरा दें, नहीं, मिट्टी कम से 3-4 दिन धूप में उसको सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद मिट्टी को छन्नी से छान लीजिएगा। छानने के बाद मिट्टी उस पर बिछा दिया जाएगा कोको पीट दे के, और इसका बिया सीड छोड़ दिया जाएगा। और छोड़ने के बाद आप इसके पीछे जो वीडियो की बिगोनिया की वीडियो है, फोटो है, वो आप देख सकते हैं किस तरह से। और बिगोनिया की कटिंग भी लग सकती है रूट से, और ये आप पीछे देखें वीडियो में। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, फॉलो किया, इससे अच्छा अच्छा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा।